करने वाले रसलमेनिया के बैकलैश पेपर व्यू के बारे में, क्योंकि रसलमेनिया के बाद जो नेक्स्ट पीवीपी है वो रसलमेनिया बैकलैश ही है। तो गाइज यहाँ पे आने वाले स्मैकडाउन में गाइज वो पता चल जाएगा अपने ट्राइबल चीफ का कौन सा नेक्स्ट अपोनेंट होता है। और गाइज रोमन रेंस के बारे में एडवर्टाइज किया जा रहा है कि रोमन रेंस का नेक्स्ट जो कि चैलेंजर होगा वो स्मैकडाउन में पता चल जाएगा। तो गाइज मैंने ऐसे गाइज 5 सुपरस्टार रखे हैं गाइज जो कि रोमन रेंस के नेक्स्ट चैलेंजर हो सकते हैं। तो गाइज चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं जो कि अपने मैंने 5वें नंबर पर रखा है सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि अपने स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर हैं। और गाइज ड्रू मैकइंटायर हो सकते हैं रोमन रेंस के नेक्स्ट चैलेंजर जो कि रेसलमेनिया बैकलैश के लिए, क्योंकि गाइज ड्रू मैकइंटायर जो कि रेसलमेनिया में बैरन कॉर्बिन को हरा दिया है गाइज, और गाइज उनके पास जबरदस्त मोमेंटम है। गाइज विंस मैकमैन उनको डायरेक्ट फेस करा सकते हैं अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ। ऐसा होता है तो बहुत ही बड़ा मैच होगा गाइज, 1-1 मैच होगा रोमन वर्सेस ड्रू का। और गाइज ड्रू मैकइंटायर हो सकते हैं रोमन रेंस के नेक्स्ट चैलेंजर रेसलमेनिया बैकलैश के लिए। और गाइज जो कि मैंने रखा है नंबर 4 पे सुपरस्टार वो और कोई नहीं बल्कि अपने रिटर्निंग सुपरस्टार अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स हैं। ताकि गाइज आप सबको पता होगा कि अपने जो कि कोडी रोड्स ने गाइज जो रिटर्न किए हैं मंडे नाइट रॉ में, उन्होंने जाके एक जो प्रोमो कट किया था, उन्होंने बोला था कि मेरा नेक्स्ट टारगेट जो की है वो WWE चैंपियनशिप है और मैं WWE चैंपियन बनूंगा। तो गाइज हो सकता है गाइज विंस मैकमैन बिना देरी किए हुए डायरेक्ट कोडी रोड्स को डाल सकते हैं रोमन रेंस के खिलाफ। गाइज ये बहुत ही बड़ा गाइज मैच होगा रेसलमेनिया बैकलैश में जो कि टिकट सेलिंग में भी काफी ज्यादा मदद करेगा, और कोडी वर्सेस रोमन होगा। और गाइज हो सकते हैं यहाँ पे विंस मैकमैन शॉक पुल करने के लिए कोडी को चैंपियन बना देते हैं और क्राउड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्राउड को जबरदस्त सपोर्ट दे रहा है कोडी रोड्स का, और गाइज क्राउड बू नहीं करेगा कोडी रोड्स को। तो गाइज ऐसा हो सकता है गाइज कोडी रोड्स फेस कर सकते हैं रोमन रेंस को और वो नेक्स्ट चैलेंजर बनेंगे रोमन रेंस के और शायद वो चैंपियन ही बन जाए। और गाइज जो मैंने रखा है नंबर 3 पे गाइज सुपरस्टार हुआ और कोई नहीं बल्कि गाइज ये मैंने अपने दिमाग से सोचा है कि फिंड ब्रे वायट है। गाइज क्या फिंड ब्रे वायट रिटर्न कर सकते हैं गाइज रेसलमेनिया बैकलैश के लिए रोमन रेंस से मैच लड़ने के लिए, या रिटर्न करेंगे WWE में? गाइज ये बहुत ही बड़ा सस्पेंस है। गाइज अगर फिंड ब्रे वायट रिटर्न करते हैं और रोमन रेंस को फेस करते हैं गाइज, तो बहुत ही बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच होगा जो कि रेसलमेनिया बैकलैश में होगा, और गाइज ये टिकट सेलिंग में बूम कर देगा और रोमन वर्सेस ब्रे वायट का बहुत ही बड़ा आइकन मैच होगा। गाइज इनका पहले भी हिस्ट्री है गाइज, जैसे में आके रोमन रेंस ने फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमैन के मैच में दखल दिया था और वहां पे जाके अटैक किया था दोनों सुपरस्टार के खिलाफ। तो गाइज इनकी काफी अच्छा गाइज इनकी स्टोरी लाइन है पास्ट में भी, और गाइज हो सकता है कि फिंड ब्रे वायट आके रिटर्न करें और गाइज रोमन रेंस को चैलेंज कर दें। गाइज अगर विंस मैकमैन फिंड को लाते रिटर्न कराते WWE में, तो गाइज बहुत ही बड़ा मैच होगा, एक बहुत ही बड़ा चार्टबस्टर मैच होगा। और गाइज जो मैंने रखा है नंबर 2 पे सुपरस्टार, वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि अपने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर हैं। गाइज जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि रेसलमेनिया में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा के गाइज यूनिफाइड यूनिवर्सल चैंपियन बन गए हैं। गाइज यहाँ पे हो सकता है गाइज कि ब्रॉक लेसनर दोबारा रिटर्न कराए विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर आके डायरेक्ट रोमन रेंस को दोबारा चैलेंज कर दी रेसलमेनिया बैकलैश के लिए। गाइज इसलिए गाइज मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो सकता है क्योंकि गाइज रेसलमेनिया में रोमन रेंस ने चीटिंग के साथ मैच जीता था, उन्होंने लो ब्लो लगाया था और बेल्ट से अटैक किया था ब्रॉक लेसनर को। तो ब्रॉक लेसनर इसी तरीके से आके मांग कर सकते हैं कि तुमने मुझे क्लीन नहीं हराया है, इसलिए मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ रेसलमेनिया बैकलैश के लिए। तो गाइज ये गाइज ब्रॉक लेसनर के बारे में गाइज मेरा सोचना है गाइज जो कि रूमर्स भी हैं। और गाइज जो कि एक और गाइज रिपोर्ट है गाइज जो कि रोमन रेंस के बारे में है गाइज, ये गाइज बहुत सारी आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि रोमन रेंस के बारे में बातें की जा रही थी कि रोमन रेंस चोटिल हो चुके हैं, उनके हैंड में इंजरी है। गाइज हो सकता है गाइज जैसे कि मंडे नाइट रॉ में भी रोमन रेंस आके जैसे गाइज वो स्टंट वॉल कर रहे थे दोनों चैंपियनशिप के साथ, तो गाइज उनके हाथ में गाइज प्रॉब्लम थी और गाइज उनके चेहरे पे देख कैसे लग रहा था जैसे कि बहुत ज्यादा पेन पे हैं। गाइज हो सकता है गाइज यहाँ पे विंस मैकमैन रिस्क न लें और रोमन रेंस को गाइज रेस्ट करा दें रेसलमेनिया बैकलैश पीपीवी पे, और वहाँ पे हो सकता है कि गाइज फैटल 4 है, फैटल 5 है, फैटल 6 मैच करा के ज्यादा से ज्यादा सुपरस्टार को लाएं, और गाइज यहाँ पे जो नंबर 1 चैंपियन बनेगा वो नंबर 1 कंटेंडर होगा रोमन रेंस का मनी इन द बैंक पेपर व्यू पे। भी हो सकता है कि रोमन रेंस के साथ भी विंस मैकमैन मैच करा दे कोई फैटल 4, फैटल 5 या फैटल 6 मैच, और वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर भी नहीं होगा रोमन रेंस के पास। और गाइज अगर विंस मैकमैन शॉक पुल करना चाहते हैं, कोई नया सुपरस्टार को जिताना चाहते हैं, तो गाइज यहाँ पे चैंपियनशिप भी चेंज करा देंगे, कोई नया चैंपियन बन जाएगा। आज बात करते हैं फाइनल मेंबर के बारे में, और गाइज जो नंबर 1 पे मैंने रखा है और कोई नहीं बल्कि अपने सेट फ्रीकिंग रोलिंस है। गाइज जैसे कि आपको पता होगा कि सेट रोलिंस गाइज रॉयल रंबल में उन्होंने रोमन रेंस से मैच हुआ था, तो वहाँ पे सेट रोलिंस हारे नहीं थे, ना तो पिन हुए थे और डिस्क्वालिफिकेशन हो गए थे मैच, क्योंकि रोमन रेंस ने वहाँ पे स्टील चेयर से अटैक कर दिया था अपने सेट फ्रीकिंग रोलिंस के ऊपर। गाइज हो सकता है गाइज कि सेट रोलिंस आके गाइज मांग कर दे रोमन रेंस को कि मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा रेसलमेनिया बैकलैश के लिए
गाइज अंडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच के लिए। गाइज हो सकता है कि यूनिवर्सल यूनिफाइड मैच हो जाए रोमन रेंस वर्सेस सेथ रोलिंस। जो रूमर्स भी हैं और जो मुझे भी सबसे ज्यादा चांस यही लग रहा है कि सेथ रोलिंस ही होंगे रोमन रेंस के नेक्स्ट ओपोनेंट, और सेथ रोलिंस वर्सेस रोमन रेंस के एक और मैच देखने को मिले जो कि धांसू मैच होगा, और सेथ रोलिंस चैलेंज करेंगे अपने द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। और गाइज ये हो सकता है यहाँ पे ऐसा भी कि विंस मैकमैन शॉक पुल करने के लिए अपने सेथ रोलिंस को चैंपियन बना दें, क्योंकि गाइज सेथ रोलिंस 2 साल से चैंपियन नहीं बने, कोई भी उनके पास चैंपियन नहीं आई है। तो हो सकता है कि गाइज एक सुपरस्टार को रॉ पे रखना है, एक सुपरस्टार को स्मैकडाउन में रखना है, तो शायद सेथ रोलिंस को एक बेल्ट दिला के विंस मैकमैन रॉ पे भेज दें, वहाँ पे टॉप चैंपियन हो जाएं। एक तरफ स्मैकडाउन में टॉप हील रहे रोमन रेंस और एक रॉ में टॉप हील रहे सेथ रोलिंस, तो गाइज ऐसा भी हो सकता है विंस मैकमैन कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी थी उसके बारे में मैंने बात की है गाइज, ये 5 सुपरस्टार हो सकते हैं रोमन रेंस के नेक्स्ट ओपोनेंट जो मैंने बात की। अगर ऐसा होता है तो ठीक है गाइज, लेकिन अगर विंस मैकमैन शॉक पुल करना चाहते हैं कोई और गाइज आउट ऑफ द बॉक्स सुपरस्टार ला के खड़ा कर देते रोमन रेंस के सामने, तो गाइज देखने वाला समय बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कौन होगा रोमन रेंस का नेक्स्ट ओपोनेंट।